आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन वर्कशॉप में। सभी लोग जुड़ गए हैं, लगभग लगभग सारे लोग आ चुके हैं। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्थ के बारे में कि नॉर्थ की अगर दिशा आप लोगों के घर की ख़राब है या आप लोगों के घर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं तो हम नॉर्थ की दिशा को कैसे बेहतर बनाएं और कैसे अच्छा करें। ठीक है, नॉर्थ की दिशा को हम कैसे अच्छा बनाएं और उसे कैसे बेहतर बनाएं। ठीक है, आप सभी लोग जैसा कि मैं बोलता हूं आप पेन और कॉपी अपने पास में रख लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन जो होती है यह होती है पानी की, वाटर एलिमेंट होता है। वाटर एलिमेंट अगर आपका अनबैलेंस है या वाटर एलिमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। मतलब नई अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अवसर आपको नहीं मिलेंगे। आप जिस काम को भी कर रहे हो आप वही काम करते रहोगे, आपको नए अवसर नहीं मिलेंगे। अगर आपको नए अवसर मिल भी गए तो कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे की झोली में गिर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आप एक व्यापार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एक और व्यापार करूं, तो आप देखोगे कि आप उसके पीछे मेहनत तो खूब करोगे मगर वो व्यापार में आपको अननोइंगली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। या आपने कॉन्शियस लेवल पे अफोर्ड करके एफर्ट भी लगा लिया कि नहीं मुझे तो करना है, कैसे भी करना है, हर हाल में मुझे करना है, तो आप कर भी लेंगे मगर एंड ऑफ द टाइम क्या होगा, लास्ट मोमेंट में ये होगा कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद वह व्यापार जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें आपको लॉस हो जाएगा। या कई लोगों के साथ में ऐसी कंडीशन आती है कि सर हम काम तो करते हैं या हम जॉब करते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक जॉब करते हैं, उसके बाद फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं, फिर नया काम करते हैं। फिर उसके बाद ये आता है कि सर हम व्यापार किया, या कई लोग ऐसे होते हैं व्यापार करते हैं 1 साल 1.5 साल तक उस व्यापार को चलाते हैं फिर उस व्यापार को बंद कर देते हैं। या बहुत और भी ऐसा होता है कि सर मैं इस कंपनी में 8 महीने काम किया, उसके बाद मुझे कंपनी से या तो निकाल दिया गया या मुझे कंपनी पसंद नहीं आई, या फिर कोई ना कोई कारण होता है कि हर 6 महीने, साल भर या 1.5 साल के अंदर में वह बार बार अपना बिजनेस चेंज कर रहा है या वो अपनी जॉब को चेंज कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा कारण जो होता है वह है नॉर्थ होता है। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन पे किसी के टॉयलेट आ गया या किचन आ गया या वहाँ पर लाल कलर आ गया, मैं 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगा, बाकी चीज़ों पे आप जब मुझे अपना ड्राइंग आप व्हाट्सएप में शेयर करोगे तो मैं और अच्छे से डिटेल में बता दूँगा कि कहाँ पे क्या होता है। अगर टॉयलेट आ गया, किचन आ गया या पिंक कलर आ गया, या आपने पिंक कलर का कर्टन लगा रखा है या आपने पिंक कलर की वॉल पेंटिंग करा रखी है या पिंक कलर का आपने या रेड कलर वहाँ पे आपने नॉर्थ पे डाला है, तो वो अग्नि का जोन है। तो आग क्या करेगी, पानी को जला करके धुआं बना के उड़ा देगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि जितने दिन आप वहाँ पर स्टेबिलिटी में रहोगे काम में, उसके बाद धीरे 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 आप एक नॉर्मल, इसको इस तरीके से समझ लो, आपने एक पतीला लिया, उसमें पानी डाला और नीचे से आपने आग लगा दी, तो वो धीरे 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 पानी क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 6, 10 घंटे के बाद अगर आग कंटिन्यूसली जल रही है तो पानी क्या होगा, धीरे 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 कम होता चला जाएगा कि नहीं होगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा और एक समय के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा और वो पतीला बिल्कुल खाली हो जाएगा। सेम चीज़ यही होती है, आप जॉब कर रहे हैं, आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपको 1 साल 6 महीने 8 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे ही 6 महीने 8 महीने या 1 साल 1.5 साल बीतते हैं आपको उस जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने जो पानी डाला था वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ गया। सेम चीज़ है, आप जॉब चेंज कर रहे हो मतलब आप आग लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक वहाँ पर पिक्चर लगाना है। वो पिक्चर्स मैं अभी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में क्लास ख़त्म होने के बाद आपको शेयर कर दूंगा। इस पिक्चर को आपने अपने नॉर्थ वॉल पे
लगाना है। दूसरा आप देखेंगे कि अगर वहाँ पे पिंक कलर है या रेड कलर का आपने वॉल पेंटिंग करा रखी है, या रेड कलर अगर नॉर्थ में कहीं भी किसी भी फॉर्म में आया है तो आपने उसको चेंज करवाना है। मैं तो ज़्यादातर यही बोलूँगा कि सीधा वाइट वॉश करवा के चेंज ही करवा दो, या तो आप ऑफ वाइट करवा लो या तो लाइट ब्लू कलर करवा लो। अगर नहीं कर सकते हैं, शुरू में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसों की कमी है, तो आपने क्या करना है, दो बल्ब लगाने हैं आपने, नीले कलर के दो बल्ब लेने हैं, नाइट बल्ब जो आते हैं वो आपने लेना है, 0 वाट का बल्ब लेना है, दो लेना है। नॉर्थ पे आपका जो भी नॉर्थ का जोन आता होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपने सेंटर पे दो बल्ब लगा देने हैं, एक इस तरफ में और एक 5-7-10 फीट का गैप छोड़ के उस तरफ में। तो आप देखोगे कि जैसे ही आपने बल्ब लगाया और वो जो पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वह आपने लगाई, आप देखोगे कि आपके साथ जो स्टेबिलिटी है जॉब की है, बिजनेस की है, वो होने लगेगी। तो इस नॉर्थ के जोन को हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। आपका यहाँ तक नॉर्थ समझ में आया आप लोगों को? किसी को नहीं आया है तो मुझे मैसेज करो, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। स्वाति जी क्या बोल रही हैं आप? नॉर्थ में अगर टॉयलेट है या किचन है तो आपने जैसा अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताए हैं, ठीक है। नॉर्थ में अगर किचन है या टॉयलेट है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने वाइट कलर की पट्टी लगानी है। वाइट कलर की पट्टी कैसे लगानी है, आपने 2.5 इंचेस बाई 2.5 इंचेस की रेडियम आता है मार्केट में वो ले लेंगे, आपने चौकोन पट्टी लगानी है उस टॉयलेट सीट के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद आप टॉयलेट के अंदर में ब्लू कलर का बल्ब लगाएंगे तो आपका टॉयलेट जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा, उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो बंद हो जाएंगे। दूसरा आपने पूछा सर किचन अगर आ गया है, तो किचन अगर आ गया है तो उसकी भी रेमेडी होती है। किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर का पेंट लगवाएंगे, पूरे प्लेटफॉर्म को आप ग्रीन कलर कर दीजिए, भले वो देखने में अच्छा लगे या ना लगे, गंदा लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पूरे प्लेटफॉर्म को क्या करना है, ग्रीन कलर करा देना है, और उसके बाद प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे में आपने येलो कलर पेंट करवाना है। अब प्लेटफॉर्म कई लोगों का होता है कि जिसमें ड्रॉज होते हैं, मॉडुलर किचन होता है तो ड्रॉज होते हैं, तो कुछ नहीं करना, आप ड्रॉज के अंदर में आप येलो कलर का पेंट लगवा दें और प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रीन कलर करवा दें। आप देखोगे कि 10-15 दिन के अंदर में ये जोन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। नॉर्थ के टॉयलेट को, किचन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, और बल्ब लगाते हैं तो वहाँ पर येलो कलर का बल्ब अगर हम लगाते हैं तो येलो का कलर जो है, पानी का कलर येलो है तो वो, सॉरी गलत कह दिया मैंने, येलो कलर हम पानी का कलर ब्लू कलर का बल्ब हम लगाते हैं, मैं गलत हो गया हूँ, ब्लू कलर का बल्ब हम लगाते हैं तो पानी का कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर को आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। येलो कलर मैंने गलती से कह दिया है, वहाँ पर आपने ब्लू कलर का बल्ब लगाना है, ठीक है। नॉर्थ की डायरेक्शन पे हमेशा ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर का बल्ब आता है, ब्लू कलर के कर्टन्स आएंगे, ब्लू कलर का आप डोरमेट भी रख सकते हैं, ब्लू कलर आपने वहाँ पे ऐड करना है, नीला कलर आपने वहाँ पे ऐड करना है, मैंने येलो गलती से कह दिया है, ठीक है। येलो कलर को अवॉइड करेंगे, येलो जो है वो साउथ वेस्ट का कलर है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ओके 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 आपने पूछा सर कल आप यंत्र के बारे में बात कर रहे थे तो आज उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यंत्र के बारे में जो मैं बात कर रहा था, यंत्र के बारे में हम डिस्कशन भी कर लेंगे। आपको 3-4 यंत्रास कैसे बनाने हैं वो मैं बता दूंगा, और 3-4 यंत्र आप बनाते हैं तो उससे भी आप उसको उस जोन पे अगर आप लगा देते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यंत्र के बारे में आप पहले समझ लें, यंत्र बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अष्ट धातु की भस्म, काली हल्दी और गौलोचन, ये 3 चीज़ें जो हैं वो कंपलसरी है। आपने, मैं जितने भी यंत्र बताऊंगा उसमें आपने इसको यूज़ करना ही है, अष्ट धातु की भस्म, काली हल्दी और गौलोचन। अगर वो आपको मार्केट से नहीं मिल रही है तो आप हमारी डिवाइन शॉप से ले सकते हैं, आपको ओरिजिनल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि जो यंत्र है आप नहीं बना सकते हैं तो भी आप हमारे डिवाइन शॉप से आप ले सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको अष्ट धातु की भस्म, गौलोचन और
काली हल्दी मिल जाती है तो आप खुद ही बना ले, उसमें आपको जो भी मार्केट से भी आप ले सकते हैं, नहीं मिल रही है तो आप हमारी डिवाइन शॉप से ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम क्यों इतना झमेला पालें, तो आप डायरेक्ट आप हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हम यंत्र के बारे में, मैं आपको दो तीन यंत्र के बारे में बता दूंगा, वो डिस्प्ले भी कर दूंगा और